बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर हाहाकार। हमारे पास दुनिया के दवाखाना की उपलब्धि, इस आपदा में बार बार दवाइयों की कमी हुई, इन सब कमियों का जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल सरकार पर साधते हुए प्रियंका गांधी ने हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दवाइयों की जो कमी हो रही है और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर हाहाकार जिस तरह से मचा हुआ है, सबसे दुनिया के दवाखाना की उपलब्धि है हमारे पास, उसके बावजूद आपदा में बार बार दवाइयों की कमी, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर लगातार बार बार पहले वैक्सीन को लेकर और अब जिस तरह से दवाइयों की कालाबाजारी कह ले या फिर कमी दर्ज की जाती है उसको लेकर ये हमला, बड़ा हमला बोला है। बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो है वो लगातार सरकार पर लामबंद दिखाई दे रही हैं। वो लगातार कोरोना को लेकर जो जिस तरीके से प्रभावी कदम जो वो उठा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो वो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना की दूसरी लहर से जो जंग है वो बहुत ही बखूबी तरीके से, अच्छी तरीके से जंग जीती है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, वो लगातार सवाल कर रहा है। पीपीई किट हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, दवाई हो या ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शंस हो, इन सब को लेकर जो आंकड़े पेश करने की जो लगातार, चाहे वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हो, तो लगातार विपक्ष के द्वारा जो सवाल हैं वो सरकार से पूछे जा रहे हैं और सरकार के सामने एक कहीं ना कहीं एक चुनौती भी खड़ी हो रही है कि सरकार एक तरफ तो आंकड़े पेश कर देती है, वहीं दूसरी तरफ जब इन सब सवालों को पेश करते वक्त सरकार के सामने कहीं ना कहीं विपक्ष एक बड़ा जो सवाल खड़ा कर देता है, कहीं ना कहीं सरकार की इसमें एक बड़ी खामी नजर आ जाती है। बिल्कुल शहबाज का, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी भी घेरते चले आए हैं कहीं ना कहीं सरकार को, उसके बाद अब कल वैक्सीन को लेकर भी प्रियंका गांधी ने बयान जारी किया था कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर दावे किए गए थे कि इस माह के अंत तक वैक्सीन लगा दी जाएगी, वहीं दवाइयों की कमी को लेकर भी बड़ा हमला बोला है। हालांकि इस पर अभी सत्ता पक्ष से कोई किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। देखिए, वैक्सीन को लेकर भी प्रियंका गांधी ने बीते कल हमला बोला था कि वैक्सीन की कमी, जो वैक्सीन का एक लक्ष्य महाअभियान जिसकी जोरों शोरों से शुरुआत हुई थी कि 1 जून से 30 जून तक का जो सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, और हालांकि इस जो वैक्सीन के महाअभियान पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने साफ आज भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन अफसरों की लापरवाही वैक्सीनेशन को लेकर अगर उजागर होती है तो उन्हें तत्काल रूप से निलंबित कर जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है लगातार जो है वो सवाल कर रहा है कि आखिर वैक्सीनेशन कैसे होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोविन ऐप का जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट इस पर बोल चुका है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा, और ग्रामीणों में जो वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं, कई तरह का जो डर फैला है कि अगर वैक्सीन हम लगवा लेंगे तो हम मर जाएंगे, तो इस तरीके की जो दिक्कतें सामने आ रही हैं और 1 करोड़ का जो लक्ष्य है और विपक्ष जो लगातार हमलावर है, तो इन सारी चुनौतियों का कैसे सामना करके और इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने एक बहुत बड़ा जो चुनौती है वो सामने खड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने एक सवाल और खड़ा किया है कि इस जो कोविड की बीमारी है उसको आयुष्मान कार्ड से क्यों नहीं जोड़ा गया, या आयुष्मान कार्ड वालों को इस बीमारी का लाभ क्यों नहीं मिला। जो आयुष्मान कार्ड धारक है, एक बड़ी संख्या में अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में भी आयुष्मान कार्ड धारक की संख्या जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ धारक यहाँ पर है, लेकिन अगर कोरोना की दूसरी लहर की बारे में बात करें तो आयुष्मान कार्ड बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गया है। ये आयुष्मान कार्ड कहीं किसी अस्पताल में काम नहीं आया, क्योंकि ये जो लिमिट सरकार ने रखी थी वो 5 लाख रखी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो खर्चा आ रहा था वो प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख के बीच में आ रहा था, इसलिए निजी अस्पतालों ने साफ तौर पर मना कर दिया था, और जो अस्पताल इस कार्ड से जुड़े हुए भी थे उन लोगों ने भी साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, तो हालांकि इन सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है, जहां एक तरफ सरकार ये दावे करती है कि इस कार्ड से लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन जब ये कार्ड लेकर कार्ड धारक अस्पताल पहुंचे तो उन अस्पतालों में उनको इलाज क्यों नहीं दिया गया। ये तमाम सवाल हैं जो सरकार के सामने इस टाइम खड़े हुए हैं, तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है।
बहुत शुक्रिया शहबाज समाज से जुड़ने के लिए। तो लगातार विपक्ष जो खामियां मिली हैं सरकार के खिलाफ कोरोना के समय में उसको लेकर लामबम दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते हुए कहीं ना कहीं वो लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं। और एक के बाद एक, पहले वैक्सीन को लेकर और अब उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं दवाइयों की आपूर्ति को लेकर। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर, हाहाकार जिस खबर मचा हुआ उसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करा है। उन्होंने कहा हमारे पास दुनिया के दवा खाना की उपलब्धि है, उसके बावजूद भी बार बार दवाइयों की कमी क्यों हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इन कमियों का जिम्मेदार कौन है।